तो दोस्तों, कोरोना काल में जिस तरह से लंबे समय से सिनेमाघर बंद पड़े हैं, उसके बाद से लगातार स्टार्स OTT प्लेटफॉर्म पर ही नज़र आ रहे हैं। इन दोनों वेब सीरीज़ का वक्त चल रहा है। हर बड़ा स्टार अब वेब सीरीज़ की दौड़ में शामिल हो रहा है। इसी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं अक्षय कुमार। अब अक्षय की सीरीज़ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अजय देवगन, शाहिद कपूर के बाद अक्षय कुमार भी अब OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाले हैं। फैंस को उम्मीद है कि खिलाड़ी कुमार इसी साल OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा इस साल नहीं हो पाएगा। खबरों की माने तो इस साल अक्षय डिजिटल पर डेब्यू नहीं कर पाएंगे। सीरीज़ के निर्माताओं के मुताबिक अक्षय कुमार की डेब्यू सीरीज़ पर काम इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में ही हो पाएगा, यानी कि फैंस को अभी अक्षय सीरीज़ को और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि अक्षय कुमार दी एंड में नज़र आएंगे। ये एक एक्शन सीरीज़ होगी। अमेजन प्राइम की तरफ से 2019 में ही इस सीरीज़ का ऐलान किया गया था, लेकिन बीते समय से कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इसका प्रोडक्शन रुका हुआ है। ऐसे में प्रोड्यूसर विक्रम ने कहा है कि द एंड इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में प्रोडक्शन में आ जाएगा। द एंड भविष्य में सेट एक्शन थ्रिलर है। भले ही अक्षय की ये नई शुरुआत अगले साल हो, लेकिन फिर भी इस नई जानकारी से फैंस काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी है कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देता हूँ इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।